ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਈ ਆਪਣ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਫੋਟੋ ਛੂਟੂ ਅਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਖਿਆਰ ਦੇਵਾ ਆਲਾ ਟਿਪਲਾ ਟੀਮਾਰ ਗੁਲਤ ਸਿੱਧੇ ਗੋ ਬੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੋਟੋ ਤਿਆਰ ਦੇਵਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇ ਫੋਟੋ ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਦੇ 25-30 ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਟੋ ਤਰਵਾ ਲੈ ਦੇ ਰੋ ਜਾਣਦੇ ਬਗਾ ਬਗਾ ਕਰ ਮੈ ਰਿਆ ਦੇਉਣੀ ਬੜੇ ਹਾਲ ਹਾਲ ਹਮ ਕਲਾ ਬਾਤੀ ਮੈ ਰਿ ਬਤੇ ਜ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਥੂਕ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਗਏ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਰਦੇ ਹਮ ਡਟੇ ਰਾਂਗੇ ਰੋ ਮੂਰੇ ਰੋ ਰੁਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਪ ਉਸ ਬੀਬੀ ਕੀ ਮਨ ਬੜੀ ਮੇਰਲੀ को ऊपर को नहीं आया मन ने यह बात कही थी भाई यह छोरी ने इसका भी संघर्ष शामिल है बेबाक बोलना लग रही थी छोरी उसने दोबारा फिर हम लेके आए हुआ दोबारा फिर आंदोलन के अंदर आए फिर उसकी छोटी मोटी जो टुच्ची हरकत थी बीजेपी वालों के साथ में उसके फोटो आए उसका भी भाई हरियाणा के अंदर बैन कर दिया था अब हरियाणा के अंदर नहीं बढ़ जाएगा सीधी बात से आएगी तो बेबे तो उस चीज़ की खुद जिम्मेवार हो दिखना लाग रहा होगा फोटो तो ये भी है फोटो वहीं भी जड़वा जा रही थी अलग अलग चीजें हैं भाई जिस टाइम पर उसका ਮਨਸਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਤ ਸੈਂ ਨੰਬਲੀ ਭਾਈ ਮਰਾਦ ਉਹ ਬਜੂਠੇ ਫਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧਗੜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹਾ ਤੁਮ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੋ ਨਾ ਆਧਾ ਪੂਨਾ ਘੰਟਾ ਪਾਛਾ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਹੈ ਬਲੈਡਿਟਿੰਗ ਹੈ और चलो फोटो एडिटिंग हो सकते हैं वीडियो तो आप मेरी एडिटिंग करके कर दिखाई दो भैया आपने तो एडिटिंग आँ होगी नहीं कर सकते आप वीडियो ने किसी की वीडियो ने भी आप एडिटिंग नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ ना बनी अगर जे आप एडिटिंग कर सको जिस चीज़ तक वीडियो कभी भी एडिटिंग नहीं होती अगर जो होती है तो अलग दिख जाती है तो भाई सीधी सी बात यह है जो उसने कराया वह बरण लाइक रही है और कसूत कसूतरियाना देखने वाले सर दोस्तों राम राम फिलहाल भाई जो टिकरी बॉर्डर है पहुँच रहे हैं और इस बॉर्डर के ऊपर लंबे टाइम तक बबलू मिर्जपुर फेसबुक पर आपने लगभग देखा हुआ लाइव आवे हैं और जो नेता चाहे वो किसान नेता हो चाहे फिर दूसरा नेता हो जो खाम खा की आवाबाजी बना हुए हैं उनका इलाज भी भाई दो रबेतोड़ है बात करेंगे राम, राम राम भाई साहब राम राम भाई कसूत हरियाणा आए सारे दर्शक दृश्य राम राम फिलहाल नु बताओ भाई लगभग इतना तो हमने मेरा लगातार एक साल था बैठे हो घर पर कितनी बार पहुंचे हो घर गरपा भाई मैं गया हूँ सिर्फ एक बार एक बार भी जब गया हूँ जब गाम राम ने मेरा बुलाया मैं मान सम्मान दिया भाई जिसका मैं उसका अकदार था उसका अकबर मैं था भी नहीं जबकि उनने बुलाया मैं इक्के बार गया हूँ बस इस एक साल में कल एक साल हो जाएगा आंदोलन तो इस एक साल में इक्के बार गया हूँ भाई फिलहाल आप लोगों ने बताया दिया यो आंदोलन भाई जो इस पर वे भाई हैं जो लगातार वोटराम डट रहे हैं वे नहीं जो फोटो सेशन खतरा हुए है, हैं फोटो तरवाया वीडियो बनवाई और लंडा लाए गए उनकी औरतें आंदोलन नहीं चल रहा उनका तो एक खेल हो रहा है सच्चाई बतावा भाई बबलू है और आप जाओ टिकरी बॉर्डर हो कौन सा भी बॉर्डर हो किसी भी बॉर्डर पर चले जाओ हर जगह ऐसे भाई मौजूद हैं और जब जो आंदोलन चलिया था वो अपने परिणाम तक पहुँचा है एक भाई साहब मैटर क्या हो रहा है बहुत सारे लेडीज अभिनेत्री बोल दें भी लेते। भाई उनकी नेता बोल दिया कुछ भी बोल दो अपना हरियाणा वाले भाई बंधु उन्होंने बेराह नाम लेना लेने की जरूरत पड़े नाम भी ले लेंगे अपन को कोई नहीं

जितना लंबा संघर्ष जो लड़ा है जिन्हें भाई जीत हासिल करी है और कुछ नब्बे परसेंट तो आज जीत होगी हमारी दस एक परसेंट और बच रही है उसने भी जीत लें दो चार दिन के भीतर मैं तो मेरे तो नेता मेरे भी नेता मेरी अभिनेत्री जो भी है ना मेरा तो भाई जो आइडल है मेरे जो अस्सी नब्बे नब्बे साल के जो बुजुर्ग देखे हैं ना जो मैंने लाशें देखी है कम से कम भाई लोग तो कम सात सौ मैं कहता हूँ हज़ार से फालतू आड़ लाशें उठ ली इन्हीं गणती मनाऊंगी मन ने जो गणती करी है ना जो मन देखी है जो आते उजला से उठे आधी कहीं यहाँ कंधा तो मन ने भी रखा है तो भाई वो हज़ार हजार जो सादत है ना और भाई जो लाखों मुकदमे हैं और जो भैया गर्मी में सर्दी में धूप में मच्छर में भाई कौन ट्राली का नीचे है कुछ ट्राली का ऊपर है जिस तरह यहाँ टेम काटे है ना हमने जो अस्सी अस्सी नब्बे नब्बे साल के जो बुजुर्ग आड़े बेचारे पड़े हैं गंजे दाणे के ऊपर जो इनने टेम काटा है या जीत इनकी है जो संघर्ष इनका है तो भाई जीत के असली इकदारी है ना कि कोई ਇੱਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਰਚਾ ਮੁਰਚਾ ਇਹਦੇ ਭਈਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਛੇ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਫੋਟੋ ਛੂਟੋ ਅਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਖਿਆਰ ਦੇਵਾਂ ਆਲਾ ਤੇ ਪਲਾ ਟੀਮਾਰ ਗੁਲਤ ਸਿੱਧੇ ਗੁਣ ਬੜਾ ਕਮਰਾ ਫੋਟੋ ਤਰਿਆਰ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇ ਫੋਟੋ ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਦੇ 25 30 ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਟੋ ਤਰਵਾ ਲੈ ਦੇ ਅਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਬਗਾ ਬਗਾ ਕਮਰੇ ਆਰ ਦੇਉਂਦੀ ਬੜੇ ਹਾਲ ਹਾਲ ਹਮ ਕਲਾ ਬਾਤੀ ਮੇਰੀ ਭਤੇਜ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਥੂਕ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਗਏ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਰਦੇ ਹਮ ਡਟੇ ਰਾਂਗੇ ਰੂਰੇ ਰੂਰੇ ਵਾਂ ਰੁਕੇ

पहला लाइव आया करता था पहला देखे मैंने तो प्रॉपर देखो उहा है।, तो है भाई उस टाइम रोनक क्यों कर दिखे रहा पे और घर तो दूर लगातार एक साल तक घर तो दूर बैठा है भाई फिलहाल के हैं हाथ लगा के देखोगे तो आडी लड़कन लग जाएंगी ये कमजोरी नुए नहीं आई है यह संघर्ष करके आई है और जो एक पुनः पंडित का ही मैटर उठा था आप लाइव आए थे बहुत सारी बात बोली थी वो भी एक बार बताओ प्रॉपर बताओ खोल के भाई मैं एक बार समझू जो भाई आत्मा जुड़ रहा है उस आदमी का दुख उठा है बताओ भाई साहब भाई पूनम पंडित के मैं बताया दूँ जिस टाइम पर वह चली गई थी हड़ता बगा चलो किसी ने बगाई हो उस टाइम पर उस बेबे की मैंने बड़ी मेर ली थी वह जिस टाइम पर रोई थी कुछ लोग का इसने बोर्डर को ऊपर को नहीं आया मन ने यह बात कही थी भाई या छोरी ने इसका भी संघर्ष शामिल है श्रोत बेबाक बोलने लग रही थी वह छोरी उसने दोबारा फिर हम ले आए। फिर के आए वह दोबारा फिर आंदोलन के अंदर आए फिर उसकी छोटी मोटी जो टुच्ची हरकत थी बीजेपी वालों के साथ में उसके फोटो आए उसका भी भाई हरियाणा के अंदर बैन कर दिया था अगर हरियाणा के अंदर नहीं बढ़ दिया सीधी बादशाहेगी तो बेबे तो उस चीज़ की

ਮਨਸਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਬੀਬੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਤ ਸੈਂ ਨੰਬਲੀ ਭਾਈ ਮਰਾਦ ਉਹ ਬਜੂਠ ਫਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਗੜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹਾ ਤੁਮ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੋ ਨਾ ਆਧਾ ਪੂਣਾ ਘੰਟਾ ਪਾਛੇ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਡਿਟਿੰਗ ਹੈ और चलो फोटो एडिटिंग हो सकते है वीडियो तो आप मेरी एडिटिंग करके कर दिखाई दो भैया आपने तो एडिटिंग आँ होगी नहीं कर सकते आप वीडियो ने किसी की वीडियो ने भी आप एडिटिंग नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ ना बनी अगर जब आप एडिटिंग कर सको जिस चीज़ तक वीडियो कभी भी एडिटिंग नहीं होती अगर जो होती है तो अलग दिख जाती है तो भाई सीधी सी बात यह है जो उसने कराया वह वर्ण लायक रही है और जो एक अभिमेत्री हो रहा पंजाब की जो उसने कराया वह वरण लायक रही है मगर कौन सा नेता नहीं बन पाऊंगा मैं लिख के देता हूँ भाई जिस नेता बणज मेरा मुँह पर थूक चली जाइए जिन्हें गद्दारी करी आंदोलन के साथ में जिन्हें जज्बातों के साथ मरे मे गद्दारी करी जिन्हें हमारी आत्मन ठेस पहुँचाई है जिन्हें अस्सी अस्सी नब्बे नब्बे साल के बुजुर्गों का जिन्हें फायदा उठाया है वो नेता नहीं बनेगा भाई चो मोर्चा मत हो कौन सा यार भाई है। बैरले बागड़ बिले हो फोटो शूट वाले कौन सा नेता नहीं बन पाओगे नेता तोड़ते एक भी नहीं है आंदोलन यार रियलिटियाँ की गकते हैं ये अंदोलन एक भी नेता पैदा नहीं करेगा सच्चाई है हकीकत है रियलिटी भाई यहाँ आप आगे भी देखोग इन चीज़ा ने क्योंकि नेता अगर जो बनना है ना तो भाई मैं तेनों जो बुढ़े बैठे हैं ना गम अगले एक एक दो दो बुढ़े बैठे हैं इन्हें सरपंच का इलेक्शन लड़ाओ इन्हें भाई के नाम जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ाओ तो इन्हें नेता बनाओ भाई अगर जो बनाने हैं तो असली हकदार नेता बनने के ये हैं अपनी नज़र में तो भाई और आप ना बेहरा कौन सा नेता बनना चाहिए कौन सा नहीं बनना चाहिए अगर जे हाँ कोई किसान संयुक्त मोर्चा का नेता आवा है मार्केट में निर्दलीय आवा है तो भाई खुलकर वोट गिरागे अगर जो भाई आओ पापा

तो भाई गुरु नाम सिंह चडूनी क्या बात कर रहे हो मैं बता दूं भाई गुरु नाम सिंह चडूनी जो भी है जैसा भी है मन ना भी किसी पार्टी तय है एक ना है वो के करे के ना करता है हम उस चीज़ तो मतलब ना है मगर भाई जो उसने संघर्ष करे है उसका भी शामिल है उसमें राकेश टिकैत का भी शामिल है राज्यवाड़ा का भी शामिल है जितने भी किसान नेता उनका भी संघर्ष शामिल है और हर एक आदमी का, का संघर्ष शामिल है जीत या मैं भाई मैं देखो किसी नेता तो जीत की मैं ए, वो नहीं कर सकता कि भाई फलाना नेता की वजह तो हम जीतते ना मैं तो इतना कहूँ भाई संघर्ष उनका भी है मोर्चा का भी संघर्ष इसमें हर एक आदमी का संघर्ष है मगर जो जीत मिली है ना जो गंदे निपजो सड़न लाए गए साथ से जो साथते हैं हजारों जो मुकदमे हैं उनकी वजह से जीत मिली भाई रियलिटी की कहते ग्राउंड की यही है एक चीज़ भाई इतने भी महसूस करी होगी लखीमपुर मुद्दा होया जड़ा पांच किसान शहीद हो गए थे और राकेश जी के तो बिना रोक टोक के पहुंच जाता है हाँ। गुरनाम सिंह चुनौनी पहुंचा है हाँ। तो उसने बीच में पकड़ भी ले हुए हैं छोटे हैं प्रॉपर हाँ। फैसला कर ले है। हाँ। जब लोग वो आदमी नहीं पहुंच पाता हाँ। लास्ट में पहुंचे हुए फैसला हो गया था हाँ। क्या लग गया वो फैसला सारे नेता ने इकट्ठे हो करना चाहिए था हाँ� अख भाई अपना अपना जो पहले पहुंच गया हो, फैसला कर समझौता कर ले हुआ बात हो जाएगी लखीमपुरी में जो भी गया था बताओ समझौता तो आई थी जो भी दूसरे बीजेपी के जो तीन चार डेथ हुई चलो भाई गलत हो मानता हूं इन बात ने मगर जो हुई है तो डील तो थी की भाई मुकदमा नहीं ला मुकदमा तो भी लग रहा है उनकी मुआवजा तो भी नहीं मिले उनके उन किसान ने में समझौता तो कर लिया मगर समझौता में होया कि मेरे समझे नहीं आ रही आज तक भी वो समझौता करे किसने और उसकी समझौता की मैं नहीं किसने तो भाई लखीमपुरी तो आज भी लटके रहा है वो तो आज भी लटक रहे लखीमपुर तो अब आप देख सको वो बेचारे तीन चार दो बेचारे वो जो किसान बेचारे गरीब आदमी उन्हें किले पर बकेंगे उनके खुद बकेंगे तरखे को नहीं उठी जाए वो सारी जिंदगी जेड़ में सड़ेंगे नो बताओ उनको ऊपर जो मुकदमा लग गया है जो मंत्री है जो बात थी उस जो भी निष्कासित कर देंगे उसने वो तो आज भी कोई समझौता था कड़े मन तो दिखा समझौता था सर फड़वा फड़वा अगर बैठ जाए हैं फला फलानी जगह विरोध करो दकड़ी जगह विरोध करो अरे विरोध तो करते हैं पात्र है सिर्फ एक बार पात्र पुलिस नहीं आ कर फिल्म में देखे यार भी देखा वहाँ पे कड़ी आदमी दूध जब पा छत आकर पीछे आर घूम दिए आ गया हूँ मैं ये कर देंगे वो कर देंगे करण का नाम पर कुछ ना है ये रियलिटी है चलो भाई भगवान का भरोसा जो आंदोलन में हमने जितया है जो संघर्ष आंदोलन जितया है लोगों ने संघर्ष आंदोलन जितया है तो भाई बड़ा जबरदस्त जो आज नज़ारा जो बोर्डर के ऊपर है भाई छह सात महीने में पहली बार ऐसा नज़ारा देखे और पहली बार इतनी खुशी मिली भाई आत्मा नहीं तो भाई दूर दूर लगे आदमी भी ना दिखे आदि रियलिटी है को बता रहे हैं ने कि तीन तो को ना कि हाँ तो दे, 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 क्योंकि मोदी ने जो सब बेच का खा गया आखिर बचा था किसान किसान भी किसान भी अंबानी अंडाणी या गुलाम बड़ा पर तुल गया भाई एक बार इन किसान जो इस देश की जो जड़ है जो आर्थिक जो चला रहा है उसने भी खत्म करने का उस पर जोर लगा रहे तो ये बिल आए ही नहीं ये रिजेक्ट हो गए इस तरह और भी लेके आओगे और किमें किमें खटेब्बा करेगा लेके आओगे जरूर क्योंकि इसने किसान छोड़ने एक किसी भी कीमत पर दो हजार चौबीस में इलेक्शन है उसका पहला तो योग के योग्रा कितने कर जाएगा भाई जब जब ये किसान के साथ में धोखा करेगा जब तक जब जब नुह संघर्ष कराएंगे जब तक नुह भाई हमारे बलिदान दें देंगे और तो नुह कुर्बानी देंगे धन्यवाद भाई साहब राम राम पर जो लगातार एक साल तय वोटर पर डिट रहा है उससे बातचीत करी और आप एक चीज़ और बता दूँ भाई आप अपने घर पर बैठे हो तो कम से कम कोशिश करो पहुंच लो और ना पहुंचा जावे तो वीडियो शेयर जरूर करियो तो भाई की बात और मेरी एक सारे भाई सारे यहाँ देख एक जमाया जुड़ के विनती है कल ना छब्बीस तारीख ने कल एक साल हो जाएगा आंदोलन है जितने भाई छब्बीस जनवरी ना आए थे शुरू छब्बीस नवंबर ना आए थे ऊपर कट दिखाए ऊपर जोर दिखाए दो सारे भाई तक पीला भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच जो सिर्फ अपनी जिंदगी का एक दिन निकाल लगन सिर्फ अपनी जिंदगी चार पांच घंटे निकाल लगन तो बोर्डर को पर मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा जितने तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी भाई माताएं बहने ताऊ ताई बुजुर्ग जो भी नौजवान साथी सारे भाई तड़कन कट दिखाए दो सरकार ने जुका दो आज भी इतनी जगह दे रेश आज भी हमारी संख्या उतनी है ना हम डरते हैं ना रुकते हैं ना डटदे हाँ तो भाई

आपते हमें कोई उन्हें कह रहे कि आप गुनहगार हो गए कोई और दिक्कत होगी लेकिन आप वीडियो ने शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुँचाओ जो वीडियो ने देख के बॉर्डर पर पहुँचने की हिम्मत रखे हैं जय हिंद जय भारत